अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, उससे पहले खाना खाया था और अभी किचन में आया हूँ चाय बनाने के लिए। तो गाइस, दूध हमने ले लिया है, इसको डालेंगे हम सॉस पैन के अंदर और सॉस पैन को रख देंगे चूल्हे के ऊपर। तो बस 5 मिनट में हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो मैंने दूध डाल के कह दिया कि चाय हमारी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, लेकिन दूध के साथ चाय कैसी रेडी हो सकती है अगर उसमें पत्ती ना डाली जाए। तो अभी मैंने पत्ती डाली है, मेरी चाय रेडी है। यम्मी। ये मिस्टर राफे बैठे हुए मैच देख रहे हैं और पाकिस्तान का ये वाला मैच भी ड्रॉ की तरफ जा रहा है, थर्ड ड्रॉ। और यहाँ पे तुझे खिलाओगे? नहीं। कितने बदतमीज बच्चे हैं। इनका मैच दिखाते हैं आपको। और ये चौका, कितना स्कोर चाहिए भाई? ओए, बच गया मैं, अभी लगनी थी मुझे। आपने कितना किया? 436। आपका कितना है मुस्तफा? मैं गिरने लगा हूँ। आपका कितना है मुस्तफा? 490 पे 5 आउट है। ओए, गुड बॉलिंग। बड़ी मुश्किल से बचाऊँ यार, पेट में बॉल लगनी थी। तो ये दोनों खेलते हुए आपस में बहुत चीटिंग कर रहे हैं, तो मैं अब जा रहा हूँ अंदर। आधी चाय मेरी पड़ी है, वो अंदर जाके। और मुस्तफा बोल हो गया है मेरे अंदर जाते 121 ऑल आउट। आपकी वजह से मेरा सारा बैटला जैसे हमारे मेरी वजह से बैटला मेरे सारे विकेट 6 के 6 विकेट उड़ गई। मतलब मैं बैड लक हूं? नहीं, सारे सारे बैड लक हो गए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपने मुझे कहा कि मैं बैड लक हूं। मुस्तफा किधर है? उसको रोज हराते रहते हो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। क्या किया है? क्या किया है? क्या किया? इन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी जोर की टांग से बॉल मारी थी, मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा। फिर इनके बॉल लग गई होगी ना, उन्होंने कराई इनके यहाँ पर कान पे लग गई है, मुझे मारना शुरू कर दिया इन्होंने। क्यों मारा तुमने? नहीं, कल इसने मुझे कल मैंने इसको बॉल मारी थी, इसने मुझे मारा था, बॉल से भी मारा था, बल्ले भी फेंके थे मेरे ऊपर। फिर आज इसने मेरे गर्दन पे इतनी जोर की रख के बॉल मारी है, फिर मैंने इसको मारी है। इसने थ्रो की है या बॉल कराई है? इसने रख के शॉट मारी है। मैं इसको मना करूँ रख के मत मारो, इसे रख के मारी है मैंने यहाँ पे। नहीं, मुझे रख के मारी है और यहाँ पर और तेज बॉल फेंकी है। नहीं, राफे वासे भाई ने शॉट लगाई है या आपको हाथ से बॉल फेंक के मारी है? अरे आया मेरे पीछे कमर में 2 मुक्के मारे हैं मेरे मुंह पे, यहाँ पर रख के जो भाई मारी है मैंने। ऐसे कोई नहीं हुआ, ऐसे मुंह पे मारी और कमर पे ऐसे से। क्यों मारा तुमने? मैंने हल्का सा मारा है। क्यों मारा? अवैसिया देखें, अवैसिया मैंने इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, रोने लगे। गलत बात। सो गाइस, अभी 2 घंटे हो गए मुझे ऊपर कमरे में आए हुए। चाय कहानी मेरा जो चैनल है उसके लिए कहानी पे एक मैं काम कर रहा था, कहानी कंप्लीट हो चुकी है, बस उसका वॉइस ओवर रहता है। कोशिश करूंगा कि लेट नाइट कर लूं या फिर सुबह सुबह उठ के कर लूं। तो अभी नीचे जा रहा हूं, मुस्तफ़ा और वासे की लड़ाई को तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, और होता ही है कि जब भी वो लड़ते हैं तो तकरीबन 1/2 घंटे बाद 1 घंटे बाद ठीक हो जाते हैं। अभी नीचे चल के देखते हैं कि क्या पोजीशन है उनकी। सो गाइस, मैं आ गया हूं ड्राइंग रूम में और यहां पे मुस्तफ़ा और वासे दोनों हैं। इनकी मुझे लग रहा है दोस्ती हो गई है। मुझे सारे लर्न करने के लिए मिले थे, याद करने के लिए। तो कर लिए आपने याद? नहीं, वो मैं स्कूल जाके याद करती। क्यों मर जा रहे? चले स्टोर। स्टोर क्या करना? अच्छी चीजें लेनी है मैंने, नूडल्स लेनी है। चले दोस्ती करो पहले, फिर मार्केट लेके जाऊंगा। नहीं बस ठीक है, फिर नहीं लेके जाऊंगा। पहले दोस्ती करो, हगी करो एक दूसरे को, फिर मार्केट लेके जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, प्रॉमिस नहीं लेके जाऊंगा, प्रॉमिस नहीं लेके जाऊंगा। बस ठीक है, नहीं लेके जाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा, ना 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 ना, नहीं लेके जाऊंगा, सॉरी। मैं कह रहा हूं चलें, सवाल ही पैदा नहीं। मैं कह रहा हूं चलें, नहीं लेके जाऊंगा। तो गाइस, मैंने मुस्तफा और वासे के ऊपर बैन लगा दिया है कि जब तक ये दोस्ती नहीं करेंगे, एक तो मैं इनको स्टोर पे नहीं लेके जाऊंगा, और दूसरा मुस्तफ़ा को फ़ोन नहीं मिलेगा और वासे को लैपटॉप नहीं मिलेगा। जी टीवी देखना। हाँ टीवी आप देख लो, न्यूज़ लगी हुई है, दादा अबू देख रहे हैं। और अभी मैं खाने लगा हूँ खाना अब्बू के साथ। अब्बू खा रहे हैं कद्दू और दाल, और मैं भी दाल और कद्दू खाने लगा हूँ। कैसे बने हैं? अच्छे बने, बहुत अच्छे। सो गाइस, मैं चुपके से बाहर आया हूँ, तो आप ये देखें दोस्ती हो चुकी है,
वासे गाड़ी को धक्का लगा रहा है और मुस्तफा जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये लोग सिर्फ मुझे नहीं बता रहे थे कि हमारी दोस्ती हो गई है। हाँ भी दोस्ती हो गई है? नहीं नहीं हुई। तो फिर आज धक्के क्यों लगा रहे हो, वो गाड़ी क्यों चला रहे है? वो पागल है। सिंह वो पागल है। तो मैंने इनको ये बोला था कि दोस्ती कर लो, अल्लाह मियाँ खुश होंगे और दोस्ती करने से बरकत होती है। तो बस फिर आधे पौने घंटे बाद इन्होंने दोस्ती कर ली थी। सो गाइज, अभी मैं अंदर आ गया हूँ और मैंने आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, ख़ासतौर पे उन लोगों से जिनके न्यू यूट्यूब चैनल हैं। जिनके पुराने भी होंगे ना, उनको भी इस बात का नहीं पता होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिनको इस बात का पता नहीं होगा, और जो लोग नए यूट्यूब चैनल बनाने की अभी सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो गाइस, बात यह है कि जब हम YouTube पे वीडियोस बनानी शुरू करते हैं और हर वीडियो जो है ना वो हमारे कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स लेके आती है, कुछ सब्सक्राइबर्स माइनस करती है, कुछ सब्सक्राइबर्स लेके आती है। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ था। मैंने पहली वीडियो बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, इस तरह मैं बनाता चला गया। तो गाइस, जब मेरे सब्सक्राइबर्स 5000 क्रॉस कर गए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पुरानी वीडियोज़ है ना, कुछ 15-16 जो पहली वीडियोज़ थी वो कुछ अच्छी नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दी। अच्छा, उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या चैनल पे इफेक्ट पड़ा है उसका, क्या नहीं पड़ा। मैंने सिंपली वो वीडियोस डिलीट कर दी। उसके बाद मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता गया, क्योंकि मेरी डेली व्लॉगिंग थी तो रेगुलर मैंने वीडियोस बनानी होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता चैनल ग्रो करता गया और अब आके 24,200 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो गए। बताना मैं ये आपको चाह रहा हूँ कि ये 24,200 पे मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों खड़े हुए हैं। तो इसका सिंपल सा ही आंसर है, ये 24,200 पे सब्सक्राइबर्स नहीं खड़े हुए, ये प्लस माइनस हो रहे हैं ऑन डेली बेसिस। उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं तो आपका चैनल रैंकिंग में आ रहा होता है। जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। हर वीडियो अपने साथ सब्सक्राइबर्स लेके आती है और वॉच टाइम लेके आती है और व्यूज़ लेके आती है। और जब आप कोई भी वीडियो डिलीट करते हो, व्यूज़ पे इफेक्ट होता है, वॉच टाइम पे इफेक्ट होता है और सब्सक्राइबर्स पे इफेक्ट होता है। मैंने अपने चैनल से, जब मेरे चैनल पे 24K सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए, उसके बाद मैंने 44 वीडियोस डिलीट की, और वो जो 44 वीडियोस थी उनके ऑलमोस्ट व्यूज़ 9 लाख से ऊपर थे और एवरेज वॉच टाइम हर वीडियो का 4 मिनट का था। तो आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 9 लाख को, 36 लाख मिनट्स बनते हैं। तो 36 लाख मिनट मेरे YouTube से माइनस हो गए, तकरीबन 9.5 लाख व्यूज़ मेरे YouTube से माइनस हो गए। मेरा चैनल जिस रैंकिंग पे खड़ा हुआ था उस रैंकिंग से ड्रॉप होके काफ़ी नीचे आ गया। उसे क्या हुआ? उसे अफेक्ट ये हुआ कि मेरी जो YouTube की वीडियोज़ हैं वो अब रिकमेंडेशन में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही जितनी पहले आ रही थी। मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ मुझे कह रहे हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो खड़े नहीं हुए हैं, मसला ये हुआ कि जो 44 वीडियोस डिलीट हुई हैं उसकी वजह से चैनल थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया है। मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह वीडियोस और बनेंगी तो चैनल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जो मैंने वीडियोस डिलीट की उनमें 2 वीडियोस थी, माय लाइफ स्टोरी पार्ट 1, माय लाइफ स्टोरी पार्ट 2, उन दोनों पे 1 लाख से ऊपर व्यूज थे। फिर एक वीडियो थी जो मैंने अपने सब्सक्राइबर के कहने पे सिर्फ बनाई थी, When she left us suddenly, इस तरह का उसका टाइटल था। उस पर तकरीबन 2 लाख व्यूज़ होने वाले थे, 1,90,000 उसके व्यूज़ थे, तो 2 लाख उसके व्यूज़ होने वाले थे। तो इतनी बड़ी बड़ी जो वीडियोस थी ना वो मैंने डिलीट की हैं। तो प्लीज़ गाइस, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं या जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो वीडियोज़ हैं उनको ख्याल से बनाइए, ऐसी वीडियोस बनाइए जिन पे कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए, ऐसी वीडियोस बनाइए जिनको बाद में आपको डिलीट ना करना पड़े। उससे चैनल पे बहुत 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 बुरा इमेज जाता है, बहुत बुरा इफेक्ट जाता है। YouTube आपके चैनल की रैंकिंग को नीचे कर देता है। ऑब्वियसली YouTube ने उसको नीचे ही करना है, क्योंकि व्यूज़ नीचे चले गए, वॉच टाइम नीचे चला गया, वीडियो काउंट नीचे चला गया, तो YouTube ने ऑटोमेटिकली, क्योंकि YouTube का एक एल्गोरिदम है, उसने ऑटोमेटिकली आपके चैनल को नीचे गिरा देना, और फिर आपके उतने व्यूज़ नहीं आएंगे जितने पहले आ रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वीडियो बनाएं वो ऐसी बनाएं कि बाद में उसको डिलीट ना करना पड़े। तो ये मेरा मैसेज है आप सब के लिए जिन्होंने YouTube चैनल्स बनाने हैं या बना चुके हैं, नए हैं भी YouTube पे या पुराने हैं। सो गाइस, इन दोनों की दोस्ती हो गई है, अब मैं इनको स्टोर पे लेके जा रहा हूँ। चलो जाने तो आ जाओ। वासे, मेरे पाँव पे लगी है बॉल बेटा, बहुत जोर की। So guys, अभी हम लोग घर पहुंचे और ये देखें मुस्तफा जल्दी ये अपने बैग में रख रहा है। क्या रख रहे हो?
चीज बॉल्स। चीज बॉल्स तो बाहर से चीज बॉल्स लेके आए हैं। ही इज वेरी हैप्पी। इतनी देर के बाद मिले हैं चीज बॉल्स। और हम लेके आए हैं ओवल्टीन। मुस्तफा ने तो ओवल्टीन पी लिया था, वासे का रहता था। सादा दूध क्यों नहीं पीते? सादा दूध नहीं पसंद। मुस्तफा जी, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। नहीं, मुझको नींद आ रही है, मैं सोना है। वासे भाई दूध पीते हैं ना, तो फिर आप ऊपर आ जाना। सुबह स्कूल के लिए जाते। तो गाइस मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, वासे जब दूध पिएगा ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। रात के 11 बज रहे हैं, अभी उन्होंने सोना है, सुबह स्कूल भी जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।